Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि लाइट क्या है, लाइट के प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने बात किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कौन कौन से होते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख चुका था कि लॉज ऑफ दो टाइप के, दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। ये हम लोगों ने रिफ्लेक्शन को समझा था। फर्स्ट लॉ तो ये होता है कि इंसिडेंट रे एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेकेंड लॉ ये था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये प्लेन मिरर है, ठीक है। ये एंगल ऑफ, ये लाइन आर है, ठीक है, इंसिडेंट रे, और ये पॉइंट जो है वो क्या है, वो है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हम क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, और फिर जो रे लौट के जा रहा है क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा वो ए ओ एन, जो दिख रहा है आपको, ये ए है, ओ है और ये एन है। तो जो एंगल ए ओ एन है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और बी ओ एन क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। दोनों एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 35 हो तो ये भी 35 होगा। फिर यहाँ पे देख रहे हैं ये 45 है तो ये भी ये एंगल भी क्या होगा, 45 होगा। तो यही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लेकिन एक स्पेशल केस है। यहाँ पे इस फिगर पे हम लोग ध्यान देते हैं। ये एक मिरर है MN, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन जो है इंसिडेंट रे जो है वो आके परपेंडिकुलरली टकराता है, मतलब ये जो लाइन है रे ऑफ लाइट है और ये मिरर, इसके बीच में एंगल कितना बन रहा है, एंगल 90 डिग्री बन रहा है। जब कोई इंसिडेंट रे किसी मिरर पे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वो उसी रास्ते पे लौट जाता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एंगल, ये क्या है, इंसिडेंट रे। अब हमको ओ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो नॉर्मल भी इसी लाइन पे लाई करेगा। तो अब जब नॉर्मल और इंसिडेंट रे एक ही लाइन होंगे, ठीक है, तो उसके बीच क्या होगा, जो एंगल होगा वो जीरो होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होता है, इसी जिस पाथ से आता है उसी पाथ से टकरा के लौट जाता है। तो ऐसा कब होगा, कंडीशन बस यही है कि इंसिडेंट रे मिरर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग रूल पढ़े थे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो किसके लिए था, था रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के लिए नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसे समझते हैं, डायग्राम समझते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास सरफेस है जो बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है जो बिल्कुल रफ है, ठीक है। जब सरफेस स्मूथ होगा तो जो रे ऑफ लाइट आ रहे हैं, बहुत सारे यहाँ पे रे ऑफ लाइट है जो इंसिडेंट हो रहे हैं अलग अलग पॉइंट्स पे, तो क्या होगा, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन उसको फॉलो करते हुए ये लौट जाते हैं। तो इस टाइप के हम लोग रिफ्लेक्शन को क्या कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, जो स्मूथ सर्फेस से होता है। तो अगर यही सर्फेस अगर रफ होगा, अगर यही सर्फेस रफ होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है, ये सेम डायरेक्शन से तो आ रहा है सारा, लेकिन क्या अलग अलग डायरेक्शन में फैल जा रहा है। तो क्या है, रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए हम इसको डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, तो इट इज पैरेलल, तो जाने पैरेलल चाहिए थे जैसा कि स्मूथ सरफेस हो रहा है, लेकिन जब डिफ्यूज होगा, इरेगुलर सरफेस होगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्लियर है। आगे बढ़ते हम लोग, जैसे मैंने बता दिया है समरी इसका। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, इमेजेस क्या होता है। तो हमारे पास मिरर, जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट होते हैं, और जो मिरर के पीछे जो बन रहा होता है वो क्या होता है, हमारा इमेज होता है, आप सब लोग को पता होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको हाईलाइटेड दिख रहा होगा, एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट रेज आइदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड बाय इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। वैसा कोई भी चीज जिससे लाइट आ रहा हो, ठीक है, या वो उसका अपना लाइट हो या वो किसी से रिफ्लेक्ट हो रहा हो, जैसे हम एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे ट्यूबलाइट जल रहा है, ठीक है, तो लाइट आ रहा है और टकरा के हमसे, हम क्या कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है, हमारा इमेज सामने के लैपटॉप में बन रहा है, ठीक है। तो क्या ये मतलब, ऑब्जेक्ट जिस चीज से भी लाइट आ रहा है, ये वो उसका खुद का लाइट हो या वो किसी के लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो, वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हमारे आसपास बहुत सारा ऐसा चीज है, हमारे आसपास जो भी सब कुछ ऑब्जेक्ट ही है,
हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा इमेज भी बनता है। और हम लोग इमेज के बारे में डिस्कस करेंगे। इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिरर और रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लेंस। ठीक है, तो इमेज किसे कहेंगे? इमेज इमेज बस एक ऑप्टिकल अपीयरेंस होता है। ठीक है, जो कब प्रोड्यूस होता है? जब लाइट किसी चीज से ऑब्जेक्ट से आ रही हो और मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, वो हमको इमेज दिखाई देता है। अगर मिरर का बात ना करें तो हम लेंस का भी बात कर सकते हैं, जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। तो या तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद हमको इमेज मिलता है या फिर लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद। होप समझ आ रहा होगा। अब हम लोग देखेंगे मिरर में देखेंगे कि उसके बाद हम लोग इमेज का बात करेंगे। ठीक है, कि इमेज हम लोग तो देख चुके कि ऑब्जेक्ट क्या होगा, इमेज कब बनेगा, इमेज कब बनेगा जब मिरर से रिफ्लेक्शन होगा तब इमेज बनेगा या फिर लेंस से रिफ्लेक्शन होगा तब इमेज बनेगा। अब हम लोग देखते हैं इमेज दो टाइप का होता है, पहला तो है रियल इमेजेस और दूसरा है वर्चुअल इमेजेस। तो रियल इमेजेस क्या होते हैं और वर्चुअल इमेजेस क्या होते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड इन ऑन अ सिनेमा स्क्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ रियल इमेज। उससे पहले एक लाइन और देख लेते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेंड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। एक ऐसा इमेज जो किसी स्क्रीन पे मिल जाए, जिसको स्क्रीन पे हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं? रियल इमेज कहते हैं। तो हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं मूवीज देखने, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, एक बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है, ठीक है, और पीछे का प्रोजेक्टर होता है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वो रियल इमेज हम लोग को मिलता है, क्योंकि उसको अगर क्योंकि रियल इमेज को हम लोग किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। और वर्चुअल इमेज क्या होता है? जब हम लोग मिरर के सामने खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारा एक इमेज बनता है, वो इमेज कैसा होता है? वर्चुअल इमेज होता है। तो रियल इमेज और वर्चुअल, लेकिन तो वर्चुअल इमेज को हम लोग किसी स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। रियल इमेज बनता कैसे, उस चीज को समझेंगे। आगे हम लोग डायग्राम में देखेंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट से लाइट आ रहा है, वो मिरर से उसका उस लाइट का क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। और रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो रियल में कहीं पर मिल जाता है, दोनों जो रिफ्लेक्टेड रहे, अगर रियल में कहीं पर मिल जाएगा तो वहां पे क्या होगा? वो रियल इमेज, वो पॉइंट रियल इमेज कहलाएगा ऑब्जेक्ट का। लेकिन अगर नहीं मिलता है, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस बढ़ते चला जा रहा है, तो मिरर के असर दिखाएगा कि मिरर के पीछे कहीं जाकर मिल सकता है। ठीक है, तो जहां पे मिलता हो दिखाई दे रहा है, जहां से आता हो दिखाई देगा, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। इसको डायग्राम में ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, अगर अभी नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हम लोग डायग्राम में डिस्कस करेंगे इस बात को। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज तो वैसे इल्यूजन है, वो वैसा होता नहीं है, इसलिए वर्चुअल इमेज उसका नाम पड़ा है। हम लोग देखेंगे कि प्लेन जो फॉर्मेशन ऑफ इमेज है ना, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, एक प्लेन मिरर है MN, ठीक है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट O है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से O से क्या दो रेज आ रहे हैं, पहला रे ये आया A पे टकराया और दूसरा रे B पे टकराया, तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस जाएगा, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए वापस जाएगा। तो हम लोग इमेज कब दिखता है, ऑब्जेक्ट कब दिखता है, जब हमारी आंखों तक पहुंचता है रिफ्लेक्टेड रे, ये रे हमारी आंखों तक पहुंचा। ठीक है, तो आंखों क्या लगेगा, अब ये दोनों रेज को देखे तो कब मिल सकता नहीं आगे जाके, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। जैसे इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, इसको भी और आगे बढ़ाएंगे, कभी मिलेगा नहीं, इसके बीच डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, ये हमारी आंखों तक पहुंचा। तो हमको लग रहा है, अगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि ये कहां से आ रहा है, इस पॉइंट से आ रहा है, कहां से आ रहा है, इस पॉइंट आई है, इस पॉइंट आई से आता हुआ लग रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वहां से आ नहीं रहा है, और जहां से आता हुआ अपीयर होगा उसी को हम लोग वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो ये हमारा वर्चुअल इमेज है, क्योंकि कि वर्चुअल इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एक्चुअल में इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, एक्चुअल कभी इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये वर्चुअली इंटरसेक्शन पॉइंट हमको दिख रहा है, इसलिए हम इसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। अगर यही इधर इधर कहीं मिल जाता, ठीक है, अगर यही इस साइड लेफ्ट साइड कहीं मिल जाता तो वहां पे रियल इमेज बनता, लेकिन प्लेन मिरर में हमसे क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है। क्लियर है, ये जो फिगर मैंने डिस्कस किया है और वर्ड्स में सारे स्टेटमेंट वही सब लिखे हुए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। द इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इन द मिरर। ठीक है, तो प्लेन
मिरर जो इमेज बनता है वो सिर्फ मिरर में अगर हम लोग देखे तो मिरर में ही हम लोग को दिखाई देगा, और इसको हम लोग किसी स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और फाइनाइट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो हम लोग ने पॉइंट ऑब्जेक्ट का देखा था, बिल्कुल छोटा सा ऑब्जेक्ट था। अब हम लोग देखेंगे कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन मिरर है MN। ये ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है, ठीक है, बड़ा सा ऑब्जेक्ट इस वाले है। ठीक है, तो क्या होता है एक रे ऐसे आया बिल्कुल परपेंडिकुलरली, तो मैंने ये पहले ही बताया था अगर कोई रेज परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है प्लेन मिरर पे तो उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। एक दूसरा रे हमने ऐसे लिया, ये ऐसे आया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ऐसे चला गया। फिर हम यहाँ पे भी एक रे लेते हैं, ये आया ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होता है और ये वापस उसी पाथ पे लौट जाता है। फिर एक और वे हम लोग लिए जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है ऐसे गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी ये एक रे है, ठीक है, जो इस पाथ पे लौट रहा है कि ये रे है, ठीक है, तो ये दोनों रेज, ये रेज, ये रेज और ये रेज, ये रेज आपस में इधर कभी मिलने वाले नहीं है। जब ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रे जो ई है डी ई और यहाँ पे जी एच है, ये तो कभी आपस में मिलेंगे नहीं, जिसको जितना भी आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, कभी मिलेंगे नहीं। तो हमको ये कहां से आते हुए दिखाई दे रहा है, ये जो रे पॉइंट ए से आता हुआ दिखाई दे रहा है ए डैश से, और ये बी डैश से आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो माइंड को ऐसा लगे कि इमेज कहां पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी क्या वर्चुअली बन रहा है, ठीक है, एक्चुअली तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा क्योंकि रेज तो यहाँ से लौट जा रहा है तो पीछे की ओर जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा वर्चुअल इमेज है। तो ये डायग्राम आप लोग को ध्यान रखना है कैसे बनता है, आप समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे देख लूंगा, या फिर अगर मेरे पास आपका व्हाट्सएप नंबर हो तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम नंबर में दे दूंगा, आप मुझे मैसेज करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनते हैं उनका पोजीशन क्या होता है, कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं। तो हम लोग जब भी मिरर के सामने खड़े होते हैं, सभी लोगों ने मिरर के सामने कभी ना कभी खड़ा हुआ ही होगा, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा इमेज बनता है वो बिल्कुल हमारे ही जैसा होता है, साइज में शेप में बिल्कुल हमारे जैसा होता है। मतलब कि अगर हम प्लेन मिरर में इमेज की बात कर रहे हैं तो उसका साइज क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है, ना ही छोटा होता है ना ही बड़ा होता है। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है मिरर से, मिरर जितनी आगे खड़े होते हैं इमेज क्या मिरर से उतनी ही पीछे बनता है, ठीक है। तो इस केस में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाता है, और मिरर से इमेज के बीच का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस कहलाता है। तो जितनी दूरी पे मिरर से हम खड़े जाएंगे उतनी दूरी पे इमेज भी बनेगा। कैसा बनेगा, बिल्कुल बराबर बनेगा, सीधा बनेगा और वर्चुअल होगा। और एक बात याद रखिएगा, वर्चुअल इमेज हमेशा ही इरेक्ट होता है, हमेशा ही सीधा होता है, और जबकि जो रियल इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। अब हम लोग देख रहे हैं लैटरल इन्वर्जन, कि लैटरल इन्वर्जन क्या है, ठीक है। लैटरल इन्वर्जन लैटरल इन्वर्जन क्या है, मिरर के सामने हम लोग जब खड़े होते हैं, ठीक है, तो हमारा इमेज बनता है। तो हम लोग ये चीज देखते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में इस फिगर में दिखाया हुआ, हम लोग इस फिगर को स्टडी करते हैं। यहाँ पे एक लड़का है जो इमेज के सामने खड़ा है, लड़के ने अपने क्या किया है लेफ्ट हैंड ऊपर किया है, और इमेज का कौन सा राइट हैंड ऊपर हो रहा है, राइट हैंड ऊपर हो रहा है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट है वो इमेज का राइट पार्ट है, और जो इमेज जो ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट है वो इमेज का क्या है, लेफ्ट पार्ट है। तो ऐसा इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है प्लेन मिरर में। अगर प्लेन मिरर में किसी ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज देखते हैं तो हमको ऐसा इन्वर्जन देखने को मिलता है, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट पार्ट इमेज का राइट पार्ट दिखाई देना, और ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट इमेज का लेफ्ट पार्ट दिखाई देना। इस इन्वर्जन को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे कि यहाँ हम लोगों ने रेड लिखा है, R E D, ठीक है, तो बिल्कुल
इन्वर्टेड हो, इन्वर्टेड है, कैसे इन्वर्टेड है, लैटरल, जिस लैटरल इन्वर्जन है, तो इस टाइप के इन्वर्जन को हम लोग लैटरल इन्वर्जन कहते हैं, जो हमको प्लेन में देखने को मिलेगा। इसका यूज भी है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल यूज एम्बुलेंस में आप लोगों ने सभी देखा होगा। तो एम्बुलेंस की जो वैन होती है उसमें एम्बुलेंस को लैटरली इन्वर्टेड करके लिखा होता है। ऐसा इसलिए लिखा होता है क्योंकि आगे जो व्हीकल जा रही है, ठीक है, उसके मिरर में वो क्या हो, इन्वर्टेड होकर दिखेगा, तो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे सीधा लिख दें तो उल्टा दिखाई देगा और लोग उसको पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पे एम्बुलेंस क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड प्रिंट होता है, ताकि जो आगे वाले व्हीकल है उसको सही तरीके से पढ़ पाए और उसको आगे जाने दें। तो लैटरल इन्वर्जन का हम लोग ये डेली लाइफ में यूज या एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स थे इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, पहला तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना इमेज डिस्टेंस होगा। शेप एंड साइज बिल्कुल बराबर होगा, सीधा होगा, इमेज विल बी इरेक्ट, वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, और दूसरा चीज हमको देखेगा लैटरली इन्वर्टेड। अब हम लोग देखेंगे यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के क्या क्या यूजेज हैं। तो हम लोग तो घरों में यूज कर लेते हैं, ठीक है, एज ड्रेसिंग टेबल, बाथरूम में हम लोग यूज कर लेते हैं, फिर ज्वेलरी शॉप्स में भी यूज किया और आप एक मिनट सॉरी ज्वेलरी शॉप्स में भी हमको इमेज मतलब कि प्लेन मिरर लगा हुआ दिख जाता है। फिर हम लोग बात करते हैं जो ब्लाइंड टर्न होते हैं, ठीक है, ब्लाइंड टर्न कहने मतलब अचानक से बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा मोड़ है, ठीक है, अचानक से बिल्कुल मोड़, किसी कोई रोड है अचानक से क्या है मतलब टर्न आ गया उस पर, ठीक है, तो वहां पर हम लोग प्लेन मिरर लगा देते हैं ताकि जो जो रोड मुड़ रहा है तो दूसरी तरफ से आने वाली जो गाड़ियां हमें स्पष्ट क्लियरली दिख पाए। तो जो ब्लाइंड टर्न्स होते हैं वहां पे हम लोग प्लेन मिरर का यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं प्लेन मिरर यूज इन मेकिंग पेरिस्कोप। पेरिस्कोप आप लोग जानते होंगे, ठीक है, जनरली पेरिस्कोप यूज किया जाता है जो सबमरीन्स वगैरह होते हैं कि पानी के ऊपर मतलब कोई कुछ है या नहीं है तो उसको देखने के लिए पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। तो ये सब यूजेज ऑफ प्लेन मिरर।